हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली दिल्ली एनसीआर में हमारी एडमिशन ओपन हो चुकी है। जो हमारे बैचेस हैं वो ओपन हो चुके हैं, जिसमें आप मिलकर एक्टिंग सीख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कंटेंट के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, जो कि अपने आप में यूनिक है। इतना ज़्यादा डिटेलिंग में कोई भी नहीं सिखाता एक्टिंग, मेथड एक्टिंग इंडिया में। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आप एक्टिंग सीख रहे हैं तो डिटेलिंग ज़रूरी है कि आपको सिखाया क्या जा रहा है। और तो मैं आपको थोड़ा बहुत कंटेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सिखा रहे हैं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इंटरनेशनल मेथड एक्टिंग टेक्निक्स जो कोई नहीं सिखाता, जो डिटेलिंग होती है, टेक्निक्स को यूज़ कैसे किया जाता है, वो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर। इंटरनेशनल मेथड एक्टिंग टेक्निक्स, देन हाउ टू प्रिपेयर मोनोलॉग, हाउ टू डू सीन वर्क, हाउ टू डू डायलॉग, आप कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं एक्टिंग में उसमें आती है एनर्जी टेक्निक्स, पावर सेंटर ऑफ एक्टर, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, भाई एक्टर की वॉक कैसे होनी चाहिए, एक्टर को अपना मतलब प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए, ऑडिशन कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके अलावा भाई बिजनेस ऑफ एक्टिंग, बिजनेस ऑफ एक्टिंग का मतलब ये कि भाई आपको कैसे एक्टिंग में अप्रोच करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ एक्टिंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री की, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हैं और मैं अभी याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो डिटेलिंग से हम सिखाते हैं, दैट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ एक्टर स्टूडियो इंडिया, ऑफ माई ट्रेनिंग सेंटर। तो आइए दिल्ली एनसीआर में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करिए, और आई एम श्योर दैट यू विल गेट 100% रिजल्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे, अदरवाइज मनी बैक गारंटीड। तो आइए एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग। कोरोना के बाद फिर से शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर में, तो आइए ज्वाइन करिए हमारे बैचेस में। वी हैव अमेजिंग अमेजिंग फैकल्टी, अमेजिंग पीपल हु विल लुक आफ्टर यू। मैं भी रहूँगा, सब रहेंगे, तो आइए एंड ज्वाइन दिस मेथड एक्टिंग स्कूल एंड लेट अस मेक यू डिस्कवर द एक्टर विद इन यू। ओके, थैंक यू सो मच।